लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। नभीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है। कमान दास्तों तवे जय। यस प्लीज प्लीज योर प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग। अगर शांति से सुनो भाई, शांति से सुनिए। इस कोलाहल के बाद अगर सदन मुझे शांति से सुनने के लिए मन बना सके तो मैं बड़ा आभारी हूंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस मेरे प्रस्ताव चर्चा में जिन्होंने भाग लिया है, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सदन चर्चा के लिए है, जरूर शांतिपूर्ण चर्चा के लिए, संयम चर्चा के लिए, तर्कपूर्ण चर्चा के लिए। कुछ मित्रों का प्रयत्न था कि कोई चर्चा ना हो, तत्काल वोट ले लिया जाए और वो यहां से निकलते ही कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। लाइक ए चाइल्ड उधर से बैठ गए, ऐसा ही होगा जैसे आप बैठ गए। और आवाज आ रही है कांग्रेस के बेंचों से, हमारे और मित्र थोड़ा सा सावधान रहे। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में मैंने 40 साल गुजारे, ऐसे क्षण बार बार आए, सरकारें बनी हैं, बदली हैं, नई सरकारों का गठन हुआ है, अभी बैचलर हो गया, लेकिन लोकतंत्र नो प्लीज 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 डोंट मेक दिस काइंड ऑफ रिमार्क्स। नो इट्स ओके। लेकिन हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है और मुझे विश्वास है कि इस परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा। मैंने 40 साल आलोचना की है, आज भी अधिकांश में आलोचना सुनना पड़ी है। मराठी में एक कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। जिन मित्रों ने वो शिकायत कर रहे हैं, कौन क्या शिकायत, दैट माइक इज वर्किंग।
हमारे सामने अध्यक्ष महोदय जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है इस ओके को है उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। समता पार्टी के नेता श्री जॉर्ज फर्नांडिस, शिवसेना के नेता श्री सरपोदार, अकाली दल के नेता बरनाला जी और हरियाणा पार्टी के जयप्रकाश जी, इन सब ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। जिन्होंने आलोचना की है मैं उनकी आलोचना का उत्तर दूंगा, मगर मैं विशेष रूप से श्री मरसोली मारान, थिरु मरसोली मारान, उनका उल्लेख करना चाहता हूं। आई हैव ए स्पेशल वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर माई डियर फ्रेंड श्री मरसोली मारान मारन, आई स्टैंड करेक्टेड। डिस्पाइट अवर डिफरेंसेज ऑन सर्टेन इशूज, ही वॉज जनरस इनफ टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट ऑन द इशू ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग बाई स्टेटिंग कैटेगोरिकली दैट वी डिड नॉट यूज सूट केसेज टू कन्वर्ट अवर माइनॉरिटी इन टू मेजॉरिटी। He has in fact demolished the baseless and politically motivated allegation leveled by some members. I am also glad that Thiru Maran has taken note of our resolve to restore the balance of resources in favor of states. We have always held the opinion that the center cannot be strong if the states are weak. Maran is disturbed over our advocacy of one nation, one people, one culture. I am happy that he shares our perception of one nation. But I must say that he has got it all wrong on our interpretation of one people and one culture. I categorically state here that BJP does not stand for uniformity. We recognize the celebrated India's plural, multi-religious, multilingual, and multi-ethnic character. This view is best reflected in a poem by one of India's greatest poets, Subramanya Bharati. The poem is entitled "Antai," or "My Mother." Bharati says, I would like to read in Tamil. முப்பது கோடி முயமுயலால் உயிர் மொய்புறம் ஆந்திரையால் இவர் சப்பு மோஜி பதினெட்டு டையால் ஏனில் சிந்தனை ஆந்திரையா இஸ்கா மே ஹிந்தி மே அனுவாத் கர் தூ Thank you. This is not for the first time I read something in Tamil in my address to the United Nations. Iska Hindi anuvad is prakar hai 30 koti us samay desh ki abadi 30 crore thi 30 koti mukhmandal wali hai meri maa ek hai uski kaya aur atma bhashaein wo 18 bolti hai किंतु एक है उसका चिंतन। मित्रों सारा अध्यक्ष मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं, जब मेरे जसवंत मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है, और आप इकट्ठी भीड़ न करें। मैं अलग अलग पीछे अब जब मैंने चर्चा आरंभ की थी तब इसका स्पष्टीकरण किया था। क्या यह तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं? अब जो और तर्क दिए जा रहे हैं मैं उन पर आऊंगा। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता कि नहीं पहले मुझे जरा बात कर लेने दो? जब वो कह रहे हैं कि कल शपथ विधि होगी और मुझे समय दे रहे हैं 31 तारीख तक का, तो मैंने कहा कि 31 तारीख के जो समय दिया जा रहा है उसका मैं सदुपयोग करूंगा, अन्य दलों से चर्चा करूंगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, एक कॉमन प्रोग्राम के आधार पर हम आगे बढ़ सकें, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें कौन सा सत्ता का लोभ है? और फैसला केवल मेरा अकेला नहीं था, पार्टी का फैसला था। अध्यक्ष महोदय, आखिर जब एक बार 31 तारीख शक्ति परीक्षण के लिए तय हो गई और शक्ति परीक्षण पार्लियामेंट में ही हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में या राजभवन में हो, यह तो इसका तो हमने कभी प्रतिपादन नहीं किया, तो सदन की बैठक बुलाना जरूरी था, सदन की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूरी था,
हम तो कोई और भी काम रख सकते थे, कम से कम राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने का काम तो रख ही सकते थे, लेकिन ऐसा आपने ऐसा नहीं होने दिया। और मैंने भी संदेह पैदा हो इसलिए इस बात पर जोर नहीं दिया। जल्दी से जल्दी पहला अवसर, और इसलिए 27 तारीख और 28 को आज फैसला होने जा रहा है। हम बल दे सकते थे कि नहीं, हमें 31 तक का समय दिया गया है, हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना चाहिए। मैंने ये खेल नहीं किया है, मैं आगे भी नहीं करूंगा। लोकतंत्र एक लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब कहा, अब गिनाया जा रहा है आपको कितने परसेंट वोट मिले। हमने जो वेस्ट मिनिस्टर की पद्धति अपनाई है उसमें वोट नहीं गिने जाते हैं, प्रतिशत नहीं देखा जाता है, उसमें सीटें देखी जाती हैं।